हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं घाघरा बैराज। ये घाघरा बैराज लगभग लखीमपुर खीरी के पास पड़ता है। अभी आपको दिखाते हैं घाघरा बैराज। चलो दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहना। दोस्तों आप देख सकते हो ये बैराज, आप देख सकते हो कितना बड़ा बैराज है। अभी आपको और दिखाते हैं। पानी देख लो कितना नीला नीला दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये देख सकते हो आप घाघरा बैराज और कितना बड़ा बैराज है। और इसके बिल्कुल पास में लाइन की पटरी है, आप देख सकते हो ये पास में लाइन की पटरी है और ये बैराज है। काफ़ी पुराना बैराज है और काफ़ी बड़ा बैराज है। अभी आपको बैराज का पानी दिखाते हैं। दोस्तों ये घाघरा बैराज की लंबाई 716 मीटर और गेट संख्या 35। देख सकते हो इस तरफ देखो ये नाव खड़ी है और ये ट्रेन की पटरी और मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और इस तरफ देखो सारा नीला ही नीला पानी दिखाई दे रहा है। दोस्तों बैराज बहुत ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप बैराज में कितना ज़्यादा पानी खड़ा है और काफ़ी बड़ा बैराज है। यहाँ जब पानी आता है हर साल इतना पानी आता है बैराज में बहुत ज़्यादा कि कई घर यहाँ तबाह हो जाते हैं, इतना पानी आता है पीछे से। दोस्तों ये एक बैराज के अंदर बना रखा है, अंदर जाने का रास्ता बंद है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो बाहर से गेट का ताला लगा हुआ है, हम अंदर नहीं जा सकते। दोस्तों बैराज का काम भी चल रहा है, देख सकते हो अब मिस्त्री लगे हुए हैं। दोस्तों घाघरा बैराज तो हमने देख लिया, काफ़ी बड़ा बैराज है। अभी हम चलते हैं पीछे की तरफ और अभी आगे कुछ और दिखाते हैं। और जंगल वाला रास्ता है और स्टेशन दिखाते हैं, और छोटे छोटे जो जंगल के अंदर स्टेशन हैं देखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहना। दोस्तों आप देख सकते हो ये रेलवे स्टेशन है मजरा, देखने में कैसे सुनसान सा और अजीब सा लग रहा है। देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे स्टेशन है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डरों के पास में है ना, इसलिए ऐसे लग रहा है। आप देख सकते हो ये एक साइड में जंगल है और दूसरी साइड में बैराज वाला पानी है। दोस्तों इस तरफ देखो आप पानी ही पानी है स्टेशन के बराबर में। दोस्तों ये देख सकते हो आप ये जंगल में पटरी है ट्रेन की और ये ट्रेन जा रही है। बाय बाय कर दो, बाय बाय। और बिल्कुल सुनसान जगह है। दोस्तों यहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ आए थे, पर इनके हालात देखे काफ़ी लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। यहाँ सरकार से मैंने कोई कॉलोनी वलोनी नहीं मिली, काफ़ी परेशान है। देख के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इस तरफ बहुत गरीब परिवार है बहुत ज़्यादा। चलो दोस्तों यहाँ बैठ गए, चाय पी ली, अब यहाँ से निकलते हैं बुआ के यहाँ। दोस्तों फ़िलहाल मैं अपनी बुआ के यहाँ आ गया हूँ और थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकला हूँ घर से। दोस्तों शाम को यहाँ बहुत प्यारा मौसम हो जाता है,
लगभग 150-200 कदम पे नेपाल का बॉर्डर पड़ जाता है। और दोस्तों पर यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी बहुत है, मतलब लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और सरकार से इतना बेनिफिट नहीं है। कईयों के मकान नहीं हैं, झुग्गियों में रहते हैं और जो रोड हैं ज़्यादातर टूटे फूटे ही हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं यहाँ, मैंने यहाँ आके देखा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों कल एक नए ब्लॉग में मिलता हूँ, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ओके दोस्तों।